है, कलर वो रखते हैं जिसमें हमें सेगमेंट जरा नजर आए। कन्वर्ट टू पॉली करना पड़ेगा। ये वाले सेगमेंट कैसे ऐड करूँगा, ये वाले कनेक्ट से? हाँ कनेक्ट से, वेरी गुड। तो हम कनेक्ट से इसको कनेक्ट का होता है आपका एडिट एच के अंदर होता है, कनेक्ट करेंगे और हम इसमें दो एज डाल देंगे। दो एज डालने के बाद जो हमने एरिया डिवाइन करना है वो उनको हम फिर अलग अलग सेलेक्ट करके कर लेते हैं। तो ये वाला जो है आपका है ये तकरीबन जहाँ तक आ रहा है, ये वाला ठीक है तकरीबन इतना ही होगा। ये वाला एरिया कम बन रहा है तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने के लिए बहुत सिंपल है, हम फेस पकड़ते हैं ये वाला। सर कनेक्ट किधर है होता है? ये एडिट एच के ऊपर होता है, एडिट एज नहीं मिल रहा, एडिटिव ये पॉली के अंदर है ना? हाँ एडिट पॉली में, लेकिन एज सिलेक्ट भी होना चाहिए। ये एज सिलेक्ट होगा, आपने ये सिलेक्ट करनी है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करनी है। तो ये देखो एडिट एच के ओके अंदर ये कनेक्ट होता है, ओके ठीक है। तो ये हमारा जी विंड वाला एरिया तो ठीक है, इसको ज़्यादा मैं बड़ा करने की ज़रूरत तो नहीं है, तकरीबन ठीक ही आ रहा ये है सर ठीक है काफ़ी यहाँ पर। क्योंकि हमें थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा बाद में भी। तो इसको एक्सक्लूड करते हैं सिंपल। थर्टी पे करके देखते हैं, इतना बड़ा है ठीक है मेरे ख्याल में। या 40 कर दें तो शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 35 कर लेते हैं इतना काफ़ी है। ये यूनिट जो होता है ना ये आपके सिस्टम के मुताबिक होता है, मतलब जो आपने सेट किया होगा उसके मुताबिक होता है, ठीक है। एक जी रिहान सर, हेलो, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? वेलम किधर, टेंडर स्ट्रीट में? जो नुमान साहब शेयर करते हैं एक्सेल की शीट जो, अच्छा मैंने फिर वो देखा नहीं है मैंने। इलेवन वाली शायद मैं भूल गया हूँ, वो मैं अभी ये क्लास मेरी अभी कंटिन्यू है, एक तो बस दोनों को इकट्ठी सेंड कर देता हूँ। सर कनेक्ट एक दफ़ा दोबारा लगा के दिखा दें क्योंकि नहीं लग रहा। आपने ये वाला एच पकड़ना है, ठीक है, मल्टी मल्टी सेक्शन कंट्रोल के साथ दोनों एच सिलेक्ट हो गए, ठीक है। कनेक्ट मिल गया ना, कहाँ पे होता है कनेक्ट मिल गया है, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट पकड़ना है, यहाँ से ये सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन आएगी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और कितने नंबर एफ एच डालने हैं मैंने, तो वहाँ पे इसको बता देना नंबर टू डालने। अच्छा इसकी साइड्स पहले सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जिनके सेंटर में डालने हैं? हाँ पहले साइड सिलेक्ट करेंगे तो कनेक्ट होगा। लास्ट लेक्चर नहीं लिया आपने? लिया था सर, लास्ट लेक्चर भी मैंने।
जब तक आप ये दोनों सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कनेक्ट किसको करेगा? हम यही बता रहे होते हैं ना कि ये वाला एज और ये वाला एज इनके इनको आपस में कनेक्ट कर दे, जोड़ दे, तो वो अगर कोई चीज़ सेलेक्ट ही नहीं होगी या सिंगल भी सिलेक्ट होगा तब भी वो कनेक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि जब तक दो चीज़ें कनेक्ट नहीं होंगी तो आपस में दो चीज़ें होंगी तो जोड़ेगा ना उनको आपस में। क्लियर हो गया? अब ऐसे करते हैं कि ये यहाँ पर भी एक डालना पड़ेगा, वहाँ पे रिपीट भी हो जाएगा। कहाँ पे डालना पड़ेगा? ये दो विंडोज नज़र आ रही है ना, ये दो अलग अलग विंडोज, तो यहाँ पर भी एक कनेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करता हूँ और इस साइड से भी करना पड़ेगा, बारी बारी कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए। तो कनेक्ट यहाँ पर एक ही डालेंगे, ओके। इसको एस के साथ थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे, वो इस तरफ करना है। ठीक, दूसरी साइड पर हम सिंगल आने देते हैं, चलें अगर दो कर भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना टाइम लगता है। बिल्कुल एग्जैक्ट रखना है तो आप फ्रंट व्यू में चले जाएं या लेफ्ट व्यू में चले जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने इस साइड पे इतने डाला, तो बिल्कुल उसके साथ लगा दें बिहाइंड, तो इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो ये वाली जो हमने एक्सट्रूड किया, ये एंगल और ये एंगल सेम है, ठीक है जी? नहीं सर, ये थोड़ा टेढ़ा है। केड़ा ना, डायगोनल है जी सर, बेंड तो होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं ऊपर वाला सिर्फ फेस ही पकड़ता हूँ, उसको ड्रैग कर देता हूँ इस तरह, तो इस तरह करने से ये सही हो रहा है? यस सर। लेकिन सर पीछे वाला तो सर, पीछे वो... वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो फिर भी कोई शक्ल निकल आएगी, लेकिन ये आपका अपोजिट साइड पे है, दोनों की डायरेक्शन इस तरह है, ये जो चला गया आपका तो इस तरफ चला गया, तो ये मेथड नहीं चलेगा इधर। अब इसको किस तरह कवर करना है कि हम खाली एच पकड़ते हैं, ऊपर वाला एच पकड़ना है, एक्स के साथ थोड़ा सा इसको ड्रैग कर दें पीछे, और नीचे वाले को पकड़ें, थोड़ा सा बाहर निकाल दें, ठीक है। अब इस वाले को पकड़ना है और थोड़ा अंदर की तरफ और नीचे से थोड़ा बाहर की तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी ये बन जाएगी, थोड़ा सा ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर? कोई इशू तो नहीं? क्लियर सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, तो अब ऐसे करते हैं कि हम अगर विंड हीज की बनाते हैं पहले, तो मैं ये फेस पकड़ता हूँ, ये फेस सेलेक्ट किया, तो ये तो फिर पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है ना, बॉर्डर नहीं बन रहा उसका। बॉर्डर से मतलब ये है कि ये थोड़ा सा हट के है स्क्रीन से, ये वाला जो रेड बॉर्डर नजर आ रहा है ये नहीं बन रहा, तो ये कैसे बनेगा सर? वो कंपाउंड ऑब्जेक्ट में से जाके इंसर्ट यूज करके। हाँ, इंसर्ट यूज करके। हाँ, वेरी गुड। तो हम इंसर्ट यूज करेंगे, और इंसर्ट के लिए क्या करेंगे?
तो ये प्रोबेबिलिटीज नहीं हो क्योंकि हमें अंदर वाला सारा खाली चाहिए ना एरिया। हाँ वो बाद में बताता हूँ कि वह कैसे होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी से ना बहुत इशू बनेगा। सबसे आसान और क्लीन तरीका इसका इंसर्ट करने का, तो पहले तो आप करें इसको इंसर्ट। तो कितना करते हैं हम इसमें, करते हैं अगर 2% तो ये काफ़ी है 2%। ठीक है 2% इसको किया, ओके। अब इसको ज़रा पिक्चर को गौर से देखें तो ये अंदर की तरफ है, बाहर भी बॉर्डर है और फिर अंदर भी बॉर्डर है। उसके लिए क्या करूँ, उसको पीछे ड्रैग करते हैं। पीछे ड्रैग करने से जाहिर रहेगा ना, वो एक्सट्रूड यूज करें, एक्सट्रूड करके फिर अंदर करें। हाँ एक्सट्रूड करेंगे, वेरी गुड। इसको माइनस में करना पड़ेगा, माइनस टू काफ़ी है ये। ठीक है माइनस टू एक्सट्रूड किया, ओके किया। अब ये वाली जो लास्ट सेटिंग होती है ना 3D में, वो हर 3D सॉफ्टवेयर में वो होती है, सेव हो जाती है। जैसे मुझे अब ये करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और साथ में करता हूँ मैं इंसर्ट, तो वो जो टू वाली मरी थी वो सेव होगी, बस क्लिक ही करना है आपने। एक्सट्रूड पे क्लिक करेंगे वो माइनस टू उस भी सेव होगा, वो खुद ही बना देगा। मैंने ये फेस पकड़ना है, इंसर्ट किया, वो टू खुद ही पकड़ लेगा और एक्सट्रूड माइनस टू। इस वाली साइड पे भी पहले इंसर्ट करेंगे एंड देन एक्सट्रूड, फिर इसको ये सब एक साथ भी अप्लाई हो सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर इनसेट का पार्ट टू जब हम करेंगे ना तो फिर उसमें बताऊंगा कि ये, क्योंकि अभी जब हम सारे सिलेक्ट करेंगे ना तो वो पूरी को एक ही शेप लेगा, तो ये इंडिविजुअल किस तरह वो हैंडल करेगा हर एज को, वो फिर मैं आपको जब इनसेट का अगला पार्ट करेंगे ना उसमें बताऊंगा। तो अब क्या होगा कि ये हमारा इनसेट बन के विंडोज तो बन गई है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे जब मटीरियल इसके ऊपर लगाते हैं। तो ये इसका जो फ्रंट वाला ना ये भी थोड़ा सा डाउन है, ठीक है थोड़ा सा डाउन ये, तो हम ये वाला एच पकड़ते हैं फ्रंट वाला, इसको थोड़ा सा फ्रंट से जाकर करते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आए। थोड़ा सा डाउन करना बस, तो इसके फ्रंट वाले पैनल से हम वो वाली चीज़ें बना लेते हैं जो बोनट के आगे बनी हुई है। इसको पहले सेंटर अलाइन कर लेते हैं, ये भी सेंटर अलाइन कर लेते हैं, सेंटर में आएगा। ठीक है इसकी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो सिलेंडर से बना लेते हैं, लेकिन उसको हम साइड दे देते हैं। गाड़ी थोड़ा लो पोली बना रहे हैं, ये होंगे बिल्कुल गाड़ी के सेंटर में, क्योंकि मैंने फ्रंट से बनाया ना तो ग्रिड हमेशा जीरो पे बनाता है, तो हम इसको पकड़ कर सामने की तरफ लगा देते हैं।
ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी चीज बन गई। टाइल कैसे बनेंगे? सर्कल से बनाएंगे और उसको इंसर्ट करेंगे, यानी कि सिलेंडर से ही बनेंगे, वो तो नजर ही आ रहा है, और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे वो गोल गाड़ी के किस तरह वो तय आए साथ ही लगा दूं? यस सर। सर पहले तो वो प्रो बोलियन से उसको कट काटेंगे ना वहां से उसका वो बनाने के लिए। हाँ पहले तो हमें कट करना पड़ेगा, ये नज़र आ रहा है ना कट, उसके अंदर टायर होते हैं, नेचुरली भी ऐसा ही होता है, बगैर कट किए तो टायर नहीं लग सकते ना, तो हमें कट करना पड़ेगा प्रोब बुलियन से, फिर उसके ऊपर सिलेंडर लगाना पड़ेगा। तो पहले हम जाते हैं लेफ्ट व्यू में और जाकर हम एक सिलेंडर रखते हैं, और इसकी साइड हम ज़्यादा कर देंगे 24 ही कर देंगे, क्योंकि टाइट गोल ही होते हैं। यहाँ पर इसका रेडियस हम कर देते हैं 30, इसकी कॉपी रखते हैं जो कि, क्योंकि जब हम सिलेंडर लगाएंगे प्रोब बुलियन करेंगे तो साथ ही वो डिलीट और मूव हो जाता है ना, तो हम एक कॉपी बना के रख लेते हैं, उन्हीं को हम टायर के लिए यूज कर लेंगे। व्यू में आए तो हमें वो ट्रैवल से चेक कर लेते हैं, ये मैं कट करने के लिए लगाने लगा कि इसके जरिए हम कट करेंगे। समझ आई अब याद आया क्या करना? यस सर। सर प्रो बुलियन, हाँ प्रो बुलियन करेंगे हम इसको, ये मैंने ठीक रखे हैं, ज्यादा और ऊपर तो नहीं करने? नहीं सर ठीक लग रहे हैं। तो हमने किसको सेलेक्ट करना है प्रो बुलियन करने के लिए? द मॉडिफायर लिस्ट पेरेंट को, नॉट द कंपाउंड को। हां गाड़ी को सेलेक्ट करेंगे मतलब सबसे पहले, तो फिर हम जाएंगे अपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में। और अब कहाँ पे जाना है? सर प्रो बूलियन, प्रो बूलियन बने और वहाँ पे पिकिंग उसको क्लिक करना है, स्टार्ट पिकिंग, और हम अपने क्लाइंट्स के ऊपर क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, तो वो कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। राइट क्लिक करके वापस आ जाते हैं हम, और अगर हम गाड़ी को चेक करें तो वो इसमें कटिंग होगी हुई। ठीक है, फ्रंट व्यू में दोबारा आते हैं, लेफ्ट व्यू में आते हैं दोबारा। तो ये जो हमने रखा था, इसीलिए रखा था कि बाद में इसको ज़्यादा टायर के लिए यूज़ कर लेंगे, लेकिन टायर होते हैं ज़रा छोटे जो कटिंग होती है, तो ये 13 है तो हम इसको 11 कर देते हैं रेडियस। ठीक है, तो टॉप में से देखते हैं यहाँ पर पड़ा है तो हम इसको रखते हैं यहाँ पर, हाइट उसकी कर देते हैं 9, ये तकरीबन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायल को देखें तो पिक्चर के अंदर एक और सिलेंडर जो क्या होता है रिंग जो उसके लिए है जो वाइट कलर का, तो उसके लिए क्या करते हैं इसी के कॉपी निकाल लेते हैं, दोबारा लेफ्ट व्यू में जाते हैं, इसी के कॉपी निकालते हैं। ठीक है, आकर इसे थोड़ा सा बाहर कर देंगे, हल्का सा बाहर निकालना ताकि सिर्फ नज़र आए, और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। क्लियर?
सही है, इनसेट से भी तो हो सकता था। किसमें से हो सकता है? लेकिन सर ये इनसेट से भी थोड़ा हम बाहर निकाल सकते थे। हाँ लेकिन उसके लिए फिर हमें उससे भी कर सकते थे, मैंने बस ये एक अलग से बना दिया, तो आप उससे भी कर सकते। तो हम अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ग्रुप कर देते हैं। इसको ज़्यादा बड़ा तो नहीं करना, मेरे ख्याल में ये 11 है, तो हम इसको थोड़ा सा स्केल में बड़ा कर देते हैं। तो हम इसको सिंपल ग्रुप कर देते हैं आपस में, दोनों को, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। और ये ऊपर ग्रुप आ रहा है, ग्रुप में हम इसको टी साथ कॉपी। ठीक है, और ग्रुप ओपन कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो जाएगा हमारा अंदर वाला पार्ट भी। तो सर ये ग्रुपिंग वाली चीज रिपीट कर दीजिएगा, कैसे करते हैं और ग्रुप का फायदा क्या होता है? अच्छा बताता हूँ, इट्स लाइक द पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ये आपने पहले तो नहीं बताया हमें ग्रुप का? ग्रुप पहले नहीं पढ़ा हमने, ग्रुप वैसे नॉर्मल चीज ही है, बता देता हूँ। ग्रुप 3D के ग्रुप में थोड़ा सा फर्क होता है जो बाकी ग्रुप होता है। ये देखो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये दोनों सब अलग अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, ग्रुप करने का मतलब ये होता है कि आप मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आपस में कंबाइन कर दे एक कंटेनर के अंदर। लिंक पहले हमने किया ना, लिंक एक अलग चीज़ है। लिंक से क्या होता है, वो चाइल्ड पेरेंट का रिलेशन बन जाता है। ये तो हमने कर लिया हुआ ना? Yes, sir, जी सर। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप होता है ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा होने चाहिए, बस दो और या उससे जितने आगे जितने मर्जी, वो एक कंटेनर में उनको कंबाइन कर देता है। ठीक है, तो मैंने मल्टी सिलेक्शन के साथ या किसी भी तरह आपने ये सिलेक्ट कर लेने, ये ऊपर टॉप मेन्यू के ऊपर आ रहा है ग्रुप, उसके ऊपर ग्रुप कर दें। तो आप उसको नाम ना ही देंगे तो वो जैसे उसने ग्रुप वन किया हुआ है, यहाँ पर भी देखो ये सिलेक्ट हैं जो भी है, तो मैं ओके कराँगा ग्रुप वन में, तो वो उनको ग्रुप वन के टैग में कर देगा यहाँ पर। तो ये आई बंद करेंगे तो वो ग्रुप वन भी जो सब डिसेबल हो जाता है। एक को मूव करूँगा तो ये पूरा ग्रुप अब मूव हो रहा है। साफिर होते हैं उसमें ये होता है कि आपको अगर चेंज करना है तो अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप का मतलब ये होता है कि आपने जो कंटेनर बनाया वो डिलीट होगा, अब दोबारा फिर ग्रुप करना पड़ेगा अगर आपने चेंज करने के बाद दोबारा चाहिए। इस तरह फर्ज कर लें कि अगर आप अभी 4 ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपने यहाँ पे 15 ऑब्जेक्ट इकट्ठे करके एक ग्रुप बनाया, तो अगर किसी में चेंज करना है इंडिविजुअल में, ये तो मूव होगा पूरे के पूरा ग्रुप मूव होगा। लेकिन अगर आपने एक टाइल आपस में मूव करना है तो फिर उसके लिए आपको अनग्रुप चाहिए, तो आप अनग्रुप करेंगे तो फिर वो सब कंटेनर टूटेगा, फिर दोबारा चेंज करके दोबारा ग्रुप बनाएंगे। लेकिन 3D के सॉफ्टवेयर में क्या होता है, 3D मैक्स के सॉफ्टवेयर में, कि आपके पास एक ऑप्शन होती है आप ग्रुप ओपन कर लें। जैसे आपने एक बॉक्स के अंदर पैकिंग की है, अब चेंज करना है आपने सीक्वेंस, तो वो बस आप ऊपर वाला उसका कैप उतारें और सीक्वेंस चेंज कर दें। जहाँ पर भी ऐसा ही होता है ग्रुप में क्लिक करें, यहाँ पे अनग्रुप करने से ग्रुप टूट जाएगा, लेकिन ग्रुप ओपन करने के भी ऑप्शन है। ओपन करेंगे तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों। ठीक है, मैंने चेंजिंग की, उसके बाद ग्रुप में जाना दोबारा और क्लोज ग्रुप, क्लोज करेंगे तो ग्रुप क्लोज हो जाएगा, तो आपका ग्रुप नहीं टूटा, वो उसी का उसी तरह ही पड़ा रहेगा, बस आपने जो चेंजिंग की वो चेंजिंग भी हो जाएगी। अगर आप ग्रुप तोड़ना चाहते हैं कि ग्रुप नहीं चाहिए आपको, तो फिर सिंपल आप अनग्रुप कर दें। क्लियर आप? यस सर। ठीक है, तो ये हमारी कार बन गई। अब प्रॉब्लम ये है जहाँ पर के अगर मैं
मटेरियल लगाता हूँ, एक मटेरियल मैं ये ग्रे सही रहने देता हूँ या वाइट कर देता हूँ अपने रिम वगैरह के लिए, ठीक है। एक मटेरियल मैं बनाता हूँ टाइट के लिए ब्लैक कलर का, गाड़ी की बाकी बॉडी के लिए मैं रेड मटेरियल बनाता हूँ। थोड़ा सा मेहरून उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। विंड स्क्रीन के लिए हम जो करना बाद में करते हैं, पहले एक ब्लू कलर का विंड बना देते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी लाइट भी ऐड कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। इसको दिया, ये इसको दिया, इसी तरह दूसरों को भी मिल जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको ये दूंगा वो पूरी गाड़ी के ऊपर लगेगा, अगर मैं ये इधर छोड़ूंगा तो वो पूरी के वजह लगेगा। क्या रीजन है सर? वो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट होने की वजह से वो विंड हमारी अलग नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने विंड जो स्क्रीन है और साइड स्क्रीन जो है इनको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अलग किस तरह करते हैं, एक कमांड होती है डीटैच की। डीटैच क्या करता है, आपका एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी सिलेक्श जो एरिया होता है सिलेक्टेड एरिया, उसको अब उस ऑब्जेक्ट से अलग करके बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट बना देती है और लोकेशन चेंज नहीं करती जहाँ जिस एक्स वाई पे वो पड़ा होगा। जैसे ये है, ठीक है, मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ और मैंने इसका ये कुछ मैंने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ। अब जी मुझे अलग अगर चाहिए तो मुझे फिर डीटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डीटैच आपका ज्योमेट्री में होता है, ये एडिट ज्योमेट्री और यहाँ पे डीटैच होता है। नंबर वन पे आपका सिलेक्ट होना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है, फेस के साथ, और सेकंड फिर आपने ज्योमेट्री के अंदर ये डिटैच होता है। अटेंडेंस के वजह से 42 है, अब जैसे अटेंडेंस खत्म हुई दोबारा 33 पे चले गए। इनका तो करता हूँ आज में, सर ये डिटैच जो है ये प्लेन में कन्वर्ट कर देते हैं इसको या फिर अलग से एक शेप कर देते हैं? प्लेन में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिस तरह की शेप है जहाँ पे पड़ी हुई है वहीं पर होगी, बस इसको अलग ऑब्जेक्ट कर देगा, लेकिन उसकी शेप होगी प्लेन की ही तरह की, लेकिन वो जो कर्व जहाँ पे ये कर्व है ना तो वो कर्व का कर्व ही रहेगा। जैसे मैं डिटैच कर देता हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है उसका नेम क्या रखना, तो आपने अगर कोई नेम रखना नहीं तो वो ऑब्जेक्ट बंद कर देगा। ये मैं बंद करूंगा पॉलीगॉन यहाँ से, तो यहाँ पर ये एक अलग ऑब्जेक्ट है इंडिविजुअल, ठीक है। तो यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे अपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रोबोलियम में कन्वर्ट हुआ है, तो इसको हम दोबारा राइट क्लिक करके convert to poly again,
ठीक ये सिलेक्ट किया मैंने, अब डिटैच करना है। इसको कोई नेम दे दें, ठीक है। अब ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको डिटैच करते हैं, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट बन चुके हुए हैं। अब मटेरियल भी नजर आएगा, तो हम मटेरियल में जाते हैं, ये वाला इसको देते हैं और ये वाला इनको देते हैं। ऑब्जेक्ट को सेव, और हमारी ये शेप बन गई है, ठीक है। लेकिन अभी भी एक इशू है, तो इसको हम रेंडर करेंगे। तो वो ग्लास नहीं बना, कैसे बनेगा ग्लास? मैप्स में जाके इसकी रिफ्लेक्शन ऑन करते हैं। हाँ, मैप्स में जाते हैं और इसकी रिफ्लेक्शन ऑन करते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं, हम रिफ्रैक्शन देंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंट बनाना है। यस सर, रिफ्रैक्शन। क्या लगाएंगे क्लासेस के ऊपर? रे ट्रेस। रे ट्रेस रे ट्रेस लगाएंगे। तो हम रे ट्रेस जो है वो 100% नहीं लगाते, 90% लगाते हैं, ताकि वो हल्का सा ब्लू शेड भी इसमें नजर आए, ठीक है। तो करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई बार बार, एक दफा ही अप्लाई करना होता है। तो हमारी ये शेप इस तरह की बन जाएगी। इंटीरियर के लिए बहुत आसान काम है, क्योंकि लो पोली है, तो इसके लिए कोई मसला ही नहीं है। आपने एक टॉप व्यू पे जाए तो हाँ, और ये फ्रंट बनता है, तो हम ये एक क्यूब इस तरह लगाते हैं, ठीक है। और लेफ्ट में जाते हैं, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसी की एक कॉपी लगाते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों को आपस में ग्रुप कर देते हैं, इसको नाम दे दें, स्वीट वन कुछ भी। तो ये है इस तरह, नजर आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं कि हाइड कर लेते हैं, हाइड सिलेक्शन, हाइड सिलेक्शन। यहाँ पर ट्रॉबी में जाते हैं और इसी की एक कॉपी लगा देते हैं इधर, और इनमें से एक उठाते हैं और उसकी कॉपी बैक साइड पर, सही लगी है या नहीं। तो हमें चेंज करना है इस वाली सीट में, तो हम सिंपल ग्रुप को ओपन कर लेंगे।
ग्रुप क्लोज दोबारा देते हैं और इसको स्केल में बड़ा कर देते हैं, एक ही सीट बना देते हैं पीछे। अनहाइड ऑल, ठीक हो गया। इस तरह इंटीरियर भी नजर आएगा, लेकिन हमारी जो हेडलाइट है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गई है। उसकी क्या रीजन हुई है, ये क्यों हट, ये क्यों हो गई है सर? मटेरियल सेम, तो मटेरियल सेम यूज हुआ हुआ। हाँ, मटेरियल सेम यूज कर दिया सर, इसको चेंज कर देते हैं। कोई इशू यहाँ तक? नो सर। मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ कि इसके लिए थोड़ी, इसमें हम थोड़ी सी डिटेल डालते हैं तो ये आपकी थोड़ी डिटेल लो पोली से ज़रा थोड़ी सी हाई की तरफ जाएगी। उससे पहले मैं इसकी एक कॉपी निकाल लेता हूँ। वो बहुत आसान होता है, फाइल में क्लिक करके सेव एज कॉपी एज करना होता है, सेव कॉपी एज। तो वो जहाँ पर आपने जैसे ये बता रहा है कि बी मैंने लिखा था वो 01, उसको खुद ही कर, मैं 01 करके साथ उसकी एक कॉपी निकाल लेता हूँ। ठीक है, उसने सेव कर दिया उसको कॉपी को। अब एक दफा मुझे ज़रा चेक कर लेंगे एक चीज़, अच्छा वीरे, वीरे के बारे में आपको आज थोड़ा सा ना रेंडर करके दिखा देता हूँ कि वीरे रेंडर में फ़र्क क्या होता है। तो कल मैं इसको अपलोड कर दूँगा इसके सेटअप को भी, तो आप वो इंस्टॉल कर लीजिएगा, ईजीली कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी ये होता क्या ये आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसके करने का फ़ायदा क्या है। रेंडर इंजन जो होता है ना, आपके हर 3D में एक रेंडर इंजन भी होता है। रेंडर इंजन का काम क्या होता है, इसके जिम्मे होता है कि वो आपके इस सारे जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल बनाया, इसके तमाम शेडर और कर्व को रेंडर करे और आपको रिजल्ट दे। रेंडर इंजन के अंदर 4 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो इसके रेंडर करता है, एक रेंडर इंजन होता है। सेकेंड, उसमें कैमरा होते हैं जो उसके अपने होते हैं, लाइट उसकी अपनी होती है और मटेरियल उसके अंदर अपना होता है। जैसे अभी हम स्केल लाइन वाला स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी कोई थर्ड पार्टी आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पर रेंडर सेटअप में जाते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रेंडर इंजन पड़े हुए हैं। जो रेंडर पर क्लिक करें ना, तो ARTI आपके पास अभी भी होगा, स्केल लाइन होता है, VUE ये आपके पास नहीं होगा, आर्नर्ड आपके पास पड़ा हुआ होगा, वो बाई डिफ़ॉल्ट होते हैं। लेकिन ये 3D Max ने दिया तो हुआ है आर्नर्ड वाला, ये माया के अंदर भी होता है, ब्लेंडर के अंदर भी होता है, लेकिन ये पेड होता है, ये उसका बहुत बेसिक वर्जन यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी वाला जो होता है वो आपको पेड करना होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं। हम वीरे को ले लेंगे, सिर्फ वीरे दिखा रहा हूँ अभी, इसलिए परेशान नहीं होना कि ये हम करें कैसे, किसका रिजल्ट में फ़र्क क्या आता है। जब भी कोई रेंडर इंजन हम ऐड करते हैं, जैसे हमने ये वाला ऐड किया, तो इसके वो मटेरियल वगैरह भी सब कुछ खुद ही चेंज होते हैं, वो हर रेंडर इंजन के अपने होते हैं। आप बाई डिफ़ॉल्ट वाले भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता जितना अच्छा आपको वीरे से मिलता है। तो मैं आपको बस क्विकली बता देता हूँ ये चीज़, जब हम इसको इंस्टॉल आप लोग कर लेंगे फिर डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अभी से मैं आपको दो चीज़ें इसको बताते हैं।
इस वाले में हम भी रेड कलर यूज़ कर लेते हैं, दोनों ही रेड कलर यूज़ करेंगे तो फिर क्या रिजल्ट निकलता है ये हम देखेंगे। ये वाला इसको देते हैं और सेकंड ये वाला इसको भी दे देते हैं, ठीक है। एक चक्कर बनाते हैं नीचे, इसको भी वीरे पे ले जाते हैं, इसमें भी डिफ्यूज ही होता है तो इसमें हम चक्कर लगा देते हैं। ठीक है, सिंपल करेंगे तो शायद ब्लैंक नजर आएगी। अभी के लिए ब्लैक नजर आएगा, अब ठीक नजर आएगा। हमें कुछ भी नहीं ऐड किया इसके ऊपर, सिर्फ सिंपल पिक्चर ऐड की है, फ्लड किए हैं तब भी उसमें थोड़ी सी शाइन आ गई हुई है ऑब्जेक्ट में। लेकिन इसके बजाय जब मैं इसमें हल्का सा अप्लाई करता हूँ, ये रिफ्लेक्शन इसका ये होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं, ग्राउंड में भी रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं। क्लास में रिफ्लेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको दोबारा रेंडर करते हैं, ठीक है, तो पूरी गाड़ी की ही लुक बदल जाएगी। ठीक है, गाड़ी भी रिफ्लेक्शन ले रही है, इसको जरा कम कर लेते हैं, ज्यादा ही होगी। और ये इसकी बिल्कुल बेसिक सेटिंग है, तो उसके उनके साथ ही आप देख लें कि ये मेटल कितना शार्प मेटल बन रहा है और ग्लास कितना शार्प ग्लास बना है। तो ये वीरे का फायदा कि इसमें अभी लाइट भी नहीं लगाई हमने, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वो शाइन वगैरह सब कुछ दे रहा है और रियल मेटल की चीज़ें लग रही हैं, मैट कलर लग रहा है। तो हम वीरे के साथ अपने प्रोजेक्ट को और ज़्यादा बेहतर कर सकते होते हैं, चीज बनी होती है लेकिन रेंडर की वजह से उसमें वो क्वालिटी नजर नहीं आ रही होती। पर रेंडर करने में थोड़ा सा टाइम लगता होता है, क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी लेनी है फिर रेंडर के लिए भी टाइम उतना लगेगा। तो अब ऐसे करते हैं, मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल ऐड करते हैं, वो पहले देख लें कि डिटेल होती क्या। एक कमांड है चैम्फर की, चैम्फर करता गया है। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस वक्त इसकी एज क्या है, बिल्कुल शार्प एच के साथ ऐसे ही। yes, अब अगर मुझे ये चाहिए कि ये मुझे इस तरह का डायगोनल बन जाए, ये ठीक है, एक साइड से डायगोनल बन जाए, सेकंड ऑप्शन क्या होगी मेरी, कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रंट वाले से बिल्कुल सर्कल में चला जाए, इसको कहते हैं डिटेल्ड आर्म। ठीक है, ये जीरो लेवल आपका, लेकिन लो पोली बिल्कुल बेसिक है,
ये आप डिटेल डालना शुरू में और ये आपकी फुल डिटेल। ये कर्व्स होते हैं जो एजेस के ऊपर होते हैं। तो ये डलते हैं किस तरह है? कि इसको राइट टू कन्वर्ट टू पोली दिया मैंने, ये वाला एज सिलेक्ट किया सिंपल, ठीक है, ये एज सिलेक्ट कर लिया। अब ये कमांड होती है चैम्फर की, ठीक है, ये वाली। चैम्फर क्या करता है, ये आपने एच सेलेक्ट करना, देन हम चैम्फर करेंगे और ये है एडिट एच के अंदर, क्योंकि हमने एच सेलेक्ट। चैम्फर क्या करता है कि आपने जो एक सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप पिक्चर के ऊपर भी देखें, अगर आपने ये बनाना है तो जब ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन है ये, तो अगर आपने ये शेप बनानी है तो इसका मतलब यहाँ पर एक और एच बनेगा तो ये इस तरह स्लोप की तरफ जाएगी, ऐसे ही है। जब तक इसके अंदर एच नहीं डलेगा ये स्लोप में कैसे जा सकता है। जो कॉर्नर पे एक है एच, वो दो एच में कन्वर्ट होगा तब ये आपकी स्लोप बनेगी। तो चैम्फर क्या करता है कि वो आपके जो सिलेक्ट हो रहा होता है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एच डाल के उसमें कर्व डाल देता है। जैसे मैंने चैम्फर के ऊपर क्लिक किया, उसमें ये सबसे ऊपर ये वाले को इग्नोर करें, नीचे वो आ रहा है कि नम कितना आपने चैम्फर कितना है, कितना डिस्टेंस देना है, ठीक, तो वो उतना डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। कहाँ तक स्लोप लेके जानी है इसका मतलब ये है। तो यहाँ से हमारी क्या कमांड बन गई, ये वाला रिक्वायरमेंट हमारी बन गई। हम ओके कर देंगे इसको ऐसे ही, ये आपकी स्लोप बन जाएगी। क्लियर हो गया। जैसे अक्सर आपने देखा हो कि वो जो ट्राले होते हैं जिनके पीछे एक पूरा टैंकर बना होता है, FWO की भी ट्राले चल रहे होते हैं बड़े बड़े, उनके जो आगे इंजन वाला पोर्शन होता है, जो ड्राइविंग वाला होता है, वो इसी तरह का होता है। अब मुझे ये चाहिए कि ये जो मेरी स्लोप है बिल्कुल यू शेप में चली जाए। उसके लिए क्या करना है, दोबारा चैम्फर में जाना है। फर्स्ट वही कि हम कितना एंगल दे रहे हैं, जैसे मैं ये एंगल देता हूँ। इसमें सेकंड ऑप्शन क्या है कि कितने नंबर ऑफ पॉलीगोन आपने ऐड करने हैं। अगर मैं एक करूँगा तो ये लाइन सीधी डायगोनल होगी, अगर मैं दो कर दूँगा तो वो उसको वी शेप में ले जाए, ठीक। अब ऐड करता जाऊंगा उसको आर्क बनाई जा रहा है, तो जितने ज़्यादा मैं ऐड कर दूंगा उतनी स्मूथ आर्क बन जाएगी, ठीक है। ओके करूंगा, पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे, ये आपका स्लोप बन जाए। क्लियर हुआ, यस सर। क्यों नींद आ रही है आप लोगों को? जी सर क्लियर हो गया। नहीं सर क्लियर हो गया। अब यही डिटेल हम इस गाड़ी में डाल दें, कहाँ पर फर्ज करेंगे, मैं इसके ऊपर डिटेल डालता हूँ थोड़ी सी। पहले तो इसका ये जो है मैं एज सेलेक्ट करता हूँ ये वाला, ठीक है, और इसके ऊपर हम चैम्फर डालते हैं। लो पोली में ही रखना है तो बस ये इतना ही काफ़ी है एक ही, और अगर थोड़ा सा हाई में लेकर जाना है तो आप डबल डाल दें तो वो कर्व बन जाए यहाँ पर। ओके कर दें तो आप गाड़ी थोड़ी सी राउंड में चली जाएगी।
बैक साइड पर जाएं, यहाँ पर ज़्यादा कर्व दे देते हैं, कैम्फर डिस्टेंस ज़्यादा दे देते हैं, कर्व ज़्यादा हो और पॉलीगॉन भी ज़्यादा ऐड हो। ठीक है, अब इसी तरह इस साइड पे भी किया जा सकता है चैम्फर, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं होगा वरना वो उसको ख़राब कर देगा, क्योंकि वो एरिया छोटा है आपके पास। इतना ही करना है और इसमें कर्व भी कम करना है। इस तरह आपकी गाड़ी की शेप ठीक है चेंज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें डिटेल डलना शुरू हो जाती है। हाँ जी पूछे सर, ये तो आपने ना वो बताना था कि कन्वर्ट टू लो पॉली के करने के बाद अगर सेगमेंट ऐड करने हो तो वो किस तरह थे कि या उसके लिए हम कनेक्ट यूज कर लें या वो लूप स्विफ्ट लूप यूज कर लें? हाँ स्विफ्ट लूप और कन्वर्ट वो ही चीज होती है। ठीक 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 अच्छा ठीक सर, अगर मैंने ये क्या कहते हैं कर्व डालना हो लेकिन मैंने दूसरे क्या कहते हैं इनवर्ट जा रहा हो, ये तो आउटवर्ड कर्व हो रहा है ना, हां तो वो माइनस इनवर्ट से मतलब कि आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। हां जी हां, उसके लिए ये नहीं, उसके लिए कट करके फिर आप ये सिंगल लाइन को कट कर्व करेंगे तो माइनस करके देख लेते हैं हम, मेरा नहीं ख्याल कि माइनस करता होगा वो। कन्वर्ट टू पॉली और चैम्फर, क्योंकि माइनस में नहीं जा रहा वो, लेकिन एक और कमांड है जो माइनस में जाती है वो फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, ये माइनस में नहीं जाएगा, ये माइनस में नहीं जा रहा, लेकिन एक और कमांड है जिसमें माइनस में आप जा सकते हैं। यहाँ पर दो डेफिनेशन का ये है कि यहाँ पर दो कर दें ऐड और ये वाला एच पकड़ के आप लेफ्ट व्यू में जाएं। और इसको इस तरह तो माइनस में लेके जा सकते हैं जैसे ये, लेकिन वो रोम ही माइनस में करें वो फिर हम पढ़ेंगे 2D लाइन कर्व के अंदर। सर वो आपने हमें एडिटेबल मेश का भी बताना था थोड़ा सा। एडिटेबल मेश जो है ना वो पॉली ही की तरह का सेम, बस ये कि उस एडिटेबल मेश में बहुत सिंपल सी चीजें हैं और ग्राउंड वगैरह सिर्फ उससे बनाते हैं। वो जब हम ग्राउंड वगैरह बनाएंगे ना उस वक्त उसको यूज़ करवा के दे दूंगा, बाकी वो उसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है हमें। तो आपने जो करना है ना वो ये करना है, पिछले पूरे वीक में अब जो आएगा वीक उसके अंदर कि ये वाली जो है ये पिकअप आपने बनानी है। ठीक है, और इसमें कोई ख़ास साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि वो थोड़ी शेप में फ़र्क है, थोड़ी ये शेप में फ़र्क है। कोर्स पोर्टल के ऊपर आपके पास जैसे ये पोर्टल है और यहाँ पर 3D पिकअप के नाम से ये अपलोड है, ये आपका होमवर्क है जो एज असाइनमेंट ही होगा तो पूरा वीक है इसके लिए, यानी कि आपने नेक्स्ट लेक्चर तक देनी है। इसमें सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि जब आपने ये वाला बनाना है, ये वाला इसमें भी वही बनेगा, जब आप असाइनमेंट हुआ। हाँ जी ये असाइनमेंट होगी,
और ये जो आपका बनेगा इसको आपने ऊपर एक्सप्लोर करने से पहले एक दफ़ा इनसेट अंदर की तरफ का लेना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना वो है, ये एक गैप आता है, ये एक शेड्स है, ठीक है। तो इनसेट करने के बाद फिर एक्सप्लोर होगा, ठीक है। ये भी लो पोली में ही है तो ये कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। आप वो जो पीछे ये बना रहा है ये तो लाइटिंग की वजह से आ रहा है, ये नहीं होगा, जब हम लाइटिंग करेंगे तब आएगा। मतलब कि ये भी नहीं करना ना हमने? हाँ नहीं, ये भी नहीं करना, आपने सिर्फ मॉडल बनाना। सर आप लेक्चर्स काइंडली अपलोड कर दीजिएगा। हाँ मैं आपको लेक्चर सारी अपलोड कर दूँगा। यस सर। तो ये हमारी देखो। हाँ नहीं बोलो। सर वो जो आप लेक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं सर, उनकी जगह आप अगर एक वीडियो बना के खुद अपलोड कर देते हैं सर, उसमें लेक्चर में अटेंडेंस भी आ जाती है और कुछ बच्चे जो पूछ रहे होते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है लेक्चर फिर। अगर किसी का मैं करूंगा ना, अब जो मैं करूंगा ना उसमें उसको ट्रिम करके सेंड कर दूंगा, इसमें अटेंडेंस वगैरह नहीं होगी। हाँ जी बोलो। सर टीम्स पे भी तो टीचर्स अपलोड कर देते हैं ना, और उसमें फिर ये होता है कि आप स्पीड तेज करके भी दे